भारतीय जनता पार्टी के ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने ट्वीट करके कहा है कि वो राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहते हैं और अब आगे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते। इस ट्वीट का क्या मतलब है? इस ट्वीट का साफ साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी गौतम गंभीर जी का ईस्ट दिल्ली से टिकट काट रही है। भारतीय जनता पार्टी का अब ये ट्रेंड बन गया है। वो क्या ट्रेंड है कि पहले भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बना देती है, उसकी योग्यता नहीं देखती, उसकी जनता के काम करने के प्रति कमिटमेंट को नहीं देखती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अपने इलाके की जनता में ना तो नजर आता है ना कोई काम करता है। पिछले 5 साल से गौतम गंभीर जी ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया। गौतम गंभीर जी तो क्या, दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो अपने इलाकों से नदारत रहे। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, वहां पे लोकल व्यक्ति को, स्थानीय निवासी को पता होगा कि आम आदमी पार्टी का विधायक कौन है, उनका ऑफिस कहाँ है, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है। यहां तक कि स्थानीय लोग वहां के विधायक को अपना फोन उठा के कॉल भी कर लेंगे अगर उन्हें पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। लेकिन अगर भाजपा का पार्षद है और भाजपा के सांसद है तो पब्लिक आपको एक सुर में बताएगी कि जी हमने तो 5 साल तक उनको देखा भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, पहले किसी यूजलेस कैंडिडेट को वो टिकट देती है, उसके बाद 5 साल तक वो कोई काम नहीं करते हैं। 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब हम टिकट बदल रहे हैं, अब हम किसी नए व्यक्ति को लाकर यहां से चुनाव लड़वा रहे हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देती हूं कि वो हमें बताएं कि पिछले 5 साल में उनके किसी भी सांसद ने कोई एक भी काम करके दिखाया हो। तो ये चैलेंज है मेरा भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अलावा, एमसीडी के अलावा, केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारियां, पुलिस केंद्र सरकार के पास है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, लैंड केंद्र सरकार के पास है। तो बताएं कि दिल्ली के 7 सांसदों ने केंद्र सरकार के ही जो काम है उसके लिए क्या किया। इन 7 सांसदों ने दिल्ली में पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किया। इन 7 सांसदों ने दिल्ली को की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या किया। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 5 साल से जब दिल्ली के लोग संघर्ष कर रहे थे तो ये 7 सांसद कहां थे। जब पिछले 5 साल से एक के बाद एक कोई एलजी आके दिल्ली की सरकार के काम रोक रहा है, दिल्ली वालों को सुविधाएं मिलने से रोक रहा है, तो ये 7 सांसद कहां थे। जब देश के संसद में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन लिए गए, जब देश के संसद में दिल्ली वालों के वोट का हक छीन लिया गया, तो ये 7 सांसद कहां थे। जब पिछले साल भर में एक एक करके दिल्ली वालों को परेशान किया जा रहा था, जब अस्पताल की दवाइयां रोकी जा रही थी, जब मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जब अस्पताल के ओपीडी काउंटर से डेटा एंट्री ऑपरेटर हटाए जा रहे थे, जब जल बोर्ड को पैसे नहीं मिल रहे थे, जब पेंशन रोकी जा रही थी, तब ये सांसद कहां थे। तब ये केंद्र सरकार की गोद में बैठे हुए थे और दिल्ली वाले जो परेशान हो रहे थे ये दिल्ली वालों की परेशानियों पे खुश हो रहे थे। अगर आज तक कोई एक आदमी है जो दिल्ली वालों की हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ता है, चाहे सड़कों पर हो, चाहे
एमसीडी के हाउस में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे न्यायालय में जाके हो, दिल्ली वालों की हक की लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल लड़ता है और कोई नहीं लड़ता। तो आज मेरा सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस बार दिल्ली से सातों सांसद इंडिया अलायंस के जिता के भेजें, जो दिल्ली वालों की आवाज संसद में उठा सकें, जो दिल्ली वालों के लिए एक सुरक्षा कवच बन के खड़े हो सकें, जो दिल्ली वालों के अधिकार की लड़ाई, दिल्ली वालों की हक की लड़ाई संसद में उठा सकें और इन बीजेपी के सातों सांसद को निकाल कर बाहर फेंक दें जिन्होंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं चाहूंगी कि हमारे कोंडली से विधायक और ईस्ट दिल्ली से लोकसभा सांसद प्रत्याशी कुलदीप कुमार जी अपनी बात रखें। देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि एक और भाजपा का सांसद पूर्वी दिल्ली को धोखा देकर भाग गए, पूर्वी दिल्ली के लोगों से छल करके भाग गए। पूर्वी दिल्ली की बदकिस्मती रही है कि 2014 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने महेश गिरी जी को चुनाव लड़ाया और 2014 में जब चुनाव लड़ाया वो गुजरात से दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए आए और चुनाव के अंदर जीतने के बाद महेश गिरी जी 2014 से लेकर 2019 तक पूर्वी दिल्ली के किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी के सुख में, किसी के दुख में, कोई काम कराना हो, कुछ कराना हो, कभी नहीं मिले। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड है, जैसा अभी मैं मतीश जी ने बताया आपको, कि वो क्या करते हैं, हर बार नए चेहरे नई उड़ान। अब ये पहले वाला ठीक नहीं था, नया लेके आ रहे, इसको लड़ा देते हैं। 2019 में फिर गौतम गंभीर जी को टिकट दिया गया, गौतम गंभीर जी अच्छे सेलिब्रिटी थे, उनको ही पूर्वी दिल्ली के लोगों ने जिता के भेजा। लेकिन मुझे कहते हुए और बताते हुए आपको दुख भी हो रहा है कि 2019 से लेकर आज हम 2024 में बैठे हैं, अगर एक जगह गौतम गंभीर जी पूर्वी दिल्ली में गए हो तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। अगर उन्होंने एक काम पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए किया हो, कोई सड़क का काम किया हो, कोई बारात घर बनाया हो, कहीं पुलिस की व्यवस्था की गई हो, बहुत सारी दिक्कतें पूर्वी दिल्ली के लोगों को आई, कोविड काल के अंदर आई, लेकिन पूर्वी दिल्ली के लोगों का हालचाल जानने के लिए कभी सांसद जी नहीं आया आज तक। तो उन्होंने पूर्वी दिल्ली के लोगों को धोखा देने का काम किया और हमारे पास सांसद जी के जो अंडर में विभाग आते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो DDA है, उसको लेकर हमारे पास लोग आते थे और हम उनके कामों के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। और ये केवल सांसद की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक भी होगा तो वो भी कोई काम नहीं करता है। तो दिल्ली के लोगों को काम की कोई उम्मीद इनसे नहीं है। और मैंने तो कल ही कहा था, मैं कार्यकर्ता सभा में था कोंडली की, तो मैंने उनसे कहा था कल ही कि अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और गौतम गंभीर जी में हिम्मत है तो पूर्वी दिल्ली चुनाव लड़के दिखाएं, भागे नहीं। लेकिन वो भाग गए क्योंकि अब की बार जो पाला पड़ा था वो जमीन वालों से पड़ा था, इसलिए हवा वाले हवा में उड़ के भाग गए। अब की बार हवा में उड़ गए वो लोग, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। और हम चैलेंज से कहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, अपने काम पे वोट मांगते हैं। एक तरफ जो भाजपा का जो भी नया कैंडिडेट आए, पहले पिछले वालों का 10 साल का रिकॉर्ड लेके आ जाना। मैं कोंडली से 4 साल से विधायक हूं, अगर 4 साल में मैंने अच्छा काम किया होगा तो जनता मुझे वोट दे देगी, आपने किया होगा तो आपको दे देगी, ये खुला चैलेंज है। लेकिन काम तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, दिल्ली के हक की आवाज को अरविंद केजरीवाल जी ने उठाने का काम किया है। जब दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीना जा रहा था उस समय पर सांसद महोदय मौन बैठे हुए थे, कभी एक भी स्पीच अगर उनके लोकसभा सदन की मुझे आप दिखा दे कि जहां पर उन्होंने पूर्वी दिल्ली के लोगों की हक की अधिकार की बात की हो। और केवल ये गौतम गंभीर जी का हाल नहीं है, दिल्ली के सातों सांसद एक से एक बड़े, एक से एक बढ़कर है, एक से एक बड़े, कभी दिल्ली के लोगों की बात नहीं करते। तो आज गौतम गंभीर जी ने सांसदी के साथ साथ भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गौतम गंभीर जी, आपने और महेश गिरी जी ने जितने गड्ढे पिछले 10 साल में उस पूर्वी दिल्ली लोकसभा में खोद दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी अब की बार उन्हीं गड्ढों में दफन होने जा रही है। और मुझे लगता है कि अब पूर्वी दिल्ली के लोग आपके जैसी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करेंगे और वो अपने बीच के लोगों को लेके आएंगे, अपने बेटे को लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी चर्चा है कि फिर से इस बार दिल्ली में कुछ सेलिब्रिटी चेहरों को उतारा जा सकता है, अक्षय कुमार का नाम अभी चर्चा में है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं होती है कि जिस कैंडिडेट को वो लेकर आ रही हैं,
जिसको पार्षद बनाने का सोच रहे हैं, जिसको विधायक बनाने का सोच रहे हैं, जिसको सांसद बनाने का सोच रहे हैं, क्या वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप गौतम गंभीर जी को देखिए, उनके पास पूर्वी दिल्ली के लिए कोई समय नहीं था, लेकिन उनके पास लगातार आईपीएल की कमेंट्री करने के लिए समय था। उनके पास कोविड के दौरान अपने इलाकों के लोगों की परेशानी सुलझाने के लिए समय नहीं था, लेकिन वो देश दुनिया में जहां पे क्रिकेट मैच हो रहे थे उसके लिए गौतम गंभीर जी के पास समय था। तो आज भारतीय जनता पार्टी फिर से ये कह रही है कि हम ऐसे नेताओं को लेके आना चाहते हैं दिल्ली में चुनाव लड़वाने के लिए, जो दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करेंगे, जो पूर्वी दिल्ली तो छोड़िए, वो दिल्ली में भी समय नहीं देंगे, लोगों की समस्याएं नहीं सुलझाएंगे, उनकी परेशानियां नहीं सुनेंगे। देखिए, एक आम इंसान अपने प्रतिनिधि से क्या चाहता है? वो चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा हो, जब मुझे कोई छोटी बड़ी परेशानी हो तो मेरी मदद करे, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो मुझे अस्पताल में एडमिशन दिलवाने में मदद करे, अगर मुझे किसी सरकारी कार्यालय में दिक्कत आ रही है तो वहां पे मेरी समस्या का समाधान करवाए। एक आम इंसान अपने जनप्रतिनिधि से बस इतनी छोटी छोटी चीजें चाहता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सेलिब्रिटीज को उतारती है तो इसका मैसेज क्लियर है कि उसको दिल्ली के आम लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है। दोनों ही पार्टी को वॉलंटियर ये कह रहे हैं जब हमारे बड़े लीडर जाएंगे तो हम प्रचार करने के लिए जाएंगे, कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लोग एक दूसरे के लिए जाएंगे, लेकिन क्या दोनों पार्टियां कोई रणनीति बना रही हैं, कोई कमेटी बना रही हैं जिससे कि एक दूसरे के उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया जा सके? देखिए, जैसा आपको हमने पहले भी बताया था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि हमारे ही अभी कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी के जो सारे नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पहले कैंडिडेट रह चुके हैं, उनके पार्षद रह चुके हैं, वो हमारे कैंडिडेट्स के साथ संपर्क में हैं और उनका सहयोग हमें मिल रहा है।